नेक्स्ट एग्जांपल में मान लो एक लूप को लटका दिया, मैग्नेट पास आ रहा है, नॉर्थ पोल पास आ रहा है, सबको पता है कि ये कौन सा फेस डेवलप करेगा, नॉर्थ, तो लूप कहाँ जाएगा, लेफ्ट, क्योंकि भागेगा, क्योंकि मैग्नेट पास आ रहा है तो लूप दूर चला जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। जैसे ये रहा, इसके अंदर एक सोलेनोइड पड़ा हुआ है और ये गैल्वेनोमीटर टू डिटेक्ट कि करंट है कि नहीं, तो जब मैग्नेट इसके पास आ रहा है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो ये कौन सा पोल डेवलप कर लेगा, नॉर्थ, और ये क्या करेगा, साउथ। तो अगर यहाँ से करंट, आपको पोल नॉर्थ नज़र आ रहा है, नॉर्थ है, तो मुझे यहाँ से करंट कैसे दिखेगा, एंटी, ये ऐसे दिखा नहीं पाऊंगा, ऐसे दिखाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है यहाँ तक, कैसे पोल डिसाइड करने हैं। जैसे सपोज नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आपके पास एक फिर से सोलेनोइड है और एक स्विच लगा हुआ है और एक रिंग पड़ी हुई है। ये रिंग ऐसी नहीं है, एक्चुअल में ये रिंग ऐसी है, ये सामने ऐसी पड़ी और ये मूवेबल है, ये इसके ऊपर आगे पीछे मूव कर सकती है। तो जैसे ही मैंने इसको स्विच को दबाया तो एकदम करंट ऑन नहीं होता, मान लो 4 एम्पियर का करंट टोटल था, तो ऐसा नहीं है 4 एम्पियर एकदम हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, तो करंट इसमें इंक्रीज होगा। जब करंट इसमें इंक्रीज होगा मैक्सिमम करंट जाने तक, तो बी इसमें इंक्रीज होगा, बी इंक्रीज होगा तो साथ वाली कॉइल का फ्लक्स बढ़ेगा, साथ वाली कॉइल करंट पैदा कर लेगी ताकि इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज कर सके। अब होगा क्या इसमें, तो मान लें आपने इसको दबाया तो इसमें करंट पैदा हुआ। अब करंट मान लो एक मिनट के लिए नॉर्थ है और ये सब कुछ भी पोल्स एज्यूम कर लो, तो मान लो जब करंट इसमें गया, इट स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट, तो यहाँ पोल डेवलप हो गए नॉर्थ एंड साउथ। तो जैसे ही नॉर्थ हुआ, सामने रिंग का ये वाला फेस कैसे एक्ट करेगा, नॉर्थ, जो भी पोल, क्योंकि यहां पर बी क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो इंक्रीज हो रहा है। जैसे भी स्विच ऑन करते हैं इंक्रीज हुआ, और मान लो ये नॉर्थ डेवलप हुआ, अब कोई भी पोल एज्यूम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये नॉर्थ है तो ये सेम पोल डेवलप करेगा ही करेगा, नॉर्थ टू अपोज। तो जैसे ही ये नॉर्थ नॉर्थ अपोज करेगा, रिंग कहां जाएगा, राइट, राइट भाग जाएगा, ताकि इसका फ्लक्स इंक्रीज ना हो, ये डिक्रीज करने के चक्कर में दूर भागेगा। लेकिन सोचो अगर मैं अब वापस इसको ओपन कर दूं, स्विच को ओपन करते ही ये नॉर्थ था, ये साउथ था, करंट अब क्या हो जाएगा, डिक्रीज। पहले करंट क्या हो रहा था, इंक्रीज, इंक्रीज में नॉर्थ और नॉर्थ, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो इसका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ये नहीं चाहता फ्लक्स इंक्रीज हो, तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन अब जब आपने इसको ओपन कर वापस कर दिया, ये नॉर्थ पोल है, अब ये इसका बी, बी जो है वो क्या हो जाएगा, इस बार डिक्रीज। अब ये जो बी है इसको भी मिल रहा है, अब कॉइल क्या कह रहा है, यार तुम मेरा बी डिक्रीज कर रहे हो, अब एक ऐसा है कि मेरे को पास आना पड़ेगा, क्योंकि तुम अगर मेरा बी को डिक्रीज करोगे तो ये यहां पर कौन सा पोल डेवलप कर लेगा, अब साउथ, ताकि इसके पास आए और डिक्रीजिंग बी को ये इंक्रीज कर सके। तो इसका मतलब जब बी यहां पर इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो उस केस में ये नॉर्थ डेवलप करके दूर चला गया था ताकि अपने फ्लक्स को कम कर सके। और दूसरे केस में जब बी यहां पर डिक्रीज हो रहा था, तो ये क्या कर रहा है, ये इसने साउथ डेवलप करके इसके पास चले जाना है ताकि अपने फ्लक्स को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि रिंग फिर पास आएगी और दूर जाएगी, कैसे पास, कब पास आएगी, कब दूर जाएगी इसमें, ठीक। जैसे सपोज ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर एक कॉयल है, कॉयल है, तो ये मैग्नेट पास आ रहा है, नॉर्थ पोल पास आ रहा है, जब नॉर्थ पास आ रहा है तो यहाँ पर कौन सा डेवलप होगा, साउथ, ओ सॉरी, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो यहाँ पर नॉर्थ, और ये नॉर्थ दूर जा रहा है तो यहाँ पर क्या डेवलप होगा, साउथ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, नॉर्थ पास आ रहा है तो ये नॉर्थ, नॉर्थ दूर जा रहा है तो ये साउथ, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहाँ तक। तो अगर ये साउथ है तो मुझे करंट कैसे दिखना चाहिए, क्लॉकवाइज, पर इसमें कोई करंट नहीं पैदा हो रहा, क्यों, क्यों नहीं, ये सही तो है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक तो है, क्या कैंसिल करेगा, मेरे को लॉजिक में कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही भाई,
ये करंट कैरिंग कॉइल है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो और तुमने क्या करंट कैरिंग कॉइल ऐसे भी होती है साउथ एंड साउथ? ये तो अच्छी बात है, एक साउथ है एक नॉर्थ है, ये तो पूरा मैग्नेट बना हुआ है, साउथ का मतलब क्लॉकवाइज, नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही तो होता है, प्रॉब्लम कहाँ है फिर? प्रॉब्लम कहाँ है? बी कैसे कैंसिल हो रहा है बताओ तो सही। ये रूल नहीं है, बी कोई कैंसिल नहीं हो रहा, बी तो बकायदा मैग्नेट मैग्नेट पास हैं, फ्लक्स कांस्टेंट है, ऐसा क्यों? स्पीड कांस्टेंट है, वो लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लो, सेम स्पीड, जिस स्पीड से ये फ्लक्स को बढ़ाएगा उस स्पीड से ये फ्लक्स को कम कर देगा, खत्म, नेट फ्लक्स चेंज जीरो जीरो। अगर ये अनइक्वल स्पीड पे होते तो एक फ्लक्स बढ़ाता और एक कम करता, लेकिन बराबर ही से नहीं, तो करंट पैदा होता है इसमें, वही फिर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसा नहीं है, स्पीड भी देखनी है, तो रिलेटिव मोशन तो जीरो हो गई, क्योंकि एक उतनी तेजी से पास आ रहा है, उतनी तेजी से एक दूर भी जा रहा है, तो नेट चेंज क्या हुआ फ्लक्स का? जीरो, इसलिए जीरो। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, इस क्वेश्चन में देखो प्लीज, देखो इसके अंदर दो लूप्स हैं, इसमें दो लूप्स हैं, इसमें रियोस्टैट लगा हुआ है और रियोस्टैट की रेजिस्टेंस को आपने कम कर दिया, रियोस्टैट की रेजिस्टेंस को आपने कम कर दिया, जब रेजिस्टेंस कम हो रही है तो करंट इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज। अब जब इस लूप का करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये बी कैसे जनरेट करेगा? ये देखो चार फिंगर को घुमाओ इस तरफ, तो बी कैसे जनरेट होगा? आउटसाइड। तो इसने बी कैसे जनरेट किया? आउटसाइड। अब जब ये बी आउटसाइड जनरेट कर रहा है और वो भी इंक्रीजिंग बी, क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ रहा है, अब साथ वाली क्वाइल कहती है कि क्या बात बनी यार, मेरा बी इंक्रीज, क्योंकि जब इसका इंक्रीज हो रहा है तो अफेक्ट इस पर भी आएगा, ये कहती है कि मैं पड़ोस की क्वाइल का बी इंक्रीज नहीं होने दूंगी, क्योंकि आप ठीक है करंट इधर घुमा के बी को इंक्रीज कर रहे हो, तो ये करंट अब उल्टा घुमा लेगी ताकि इसके इंक्रीजिंग बी को क्या कर सके? अपोज। तो इसलिए ऑटोमेटिकली करंट इसमें अपोजिट हो जाएगा ताकि इसका भी इनसाइड चला जाए, लेकिन अगर ये डिक्रीज हो रहा होता करंट, अगर ये आउटसाइड करंट ऐसे ही है पर इंक्रीज की बजाय डिक्रीज, तो बी आउटसाइड है पर डिक्रीज, तो ये कहती है अच्छा बी डिक्रीज हो रहा है तो मेरा भी बी डिक्रीज हो जाएगा, तो ये करंट को ऐसे घुमा देगी ताकि डिक्रीजिंग बी की तरफ इसका बी चला जाए। क्लियर है यहां तक? ऐसा है, ये जस्ट एक बेसिक एग्जांपल है, आप इमेजिन कर लें कि ये काफी क्लोज है और इसका बी का अफेक्ट इसके ऊपर है, वैसे डिस्टेंस मैटर करता है, वैसे इसको क्वेश्चन को इसके ऊपर ओवरलैपिंग होना चाहिए था, कॉइल के ऊपर कॉइल, तब ये ज्यादा हाँ ऐसे होना चाहिए था ताकि बी इनका सेंटर पे कॉमन हो, बट ये भी चलता है, प्रॉब्लम नहीं है, वो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये अगर मैं सिर्फ इस वायर की बात भी करूँ ना, ये वाली वायर की, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स सर्कुलर है तो इसके ऊपर अफेक्ट आना ही आना है इसका। ठीक है, वैसे बता दूँ एक टॉपिक करेंगे ट्रांसफॉर्मर, हमारे घरों में करंट भी ऐसा ही आता है, ये डैम है, डैम से करंट घूमा, साथ में एक और कॉइल बीच में रख देते हैं ऐसे ही, ऐसे गोल कॉइल, उसमें अपने आप ही करंट पैदा हो जाता है, फिर एक और कॉइल रखते हैं उसमें अपने आप जनरेट हो जाता है, तो ऐसे करते 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 हमारे घर तो करंट आ जाता है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ से सीधा ही बस तार चली हुई है हमारे डैम से और स्विच लगाया और यहाँ तक आ गया, ऐसा नहीं है, तो घूम घूम के इस तरीके से इंड्यूस हो के आता है, तो हमारे घरों में जो करंट आ रहा है वो इंड्यूस करंट है, मतलब एक बार जनरेट हुआ वो आगे आगे क्वाइल्स में अपने आप ही जनरेट होता जाता है, पर सोचने वाली बात है कि आगे जाने में कम भी तो हो जाता होगा, तो रास्ते में ट्रांसफार्मर लगते हैं, हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन पूरा बनाएंगे, इसके अंदर ट्रांसफार्मर करता क्या है, वो वोल्टेज को कम नहीं होने देता, वोल्टेज को बढ़ा देता है, तो कैसे बढ़ाता है वो बाद की बात है, हम बेसिक प्रिंसिपल यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इंडक्शन से हम करंट को यहां तक ले आते हैं। ठीक, ओके, ये क्लियर है, ये साउथ जो है इसके पास आ रहा है तो साउथ हो जाएगा, नॉर्थ दूर जा रहा है तो ये साउथ हो जाएगा, अब
क्वेश्चन है, ये डायग्राम तो हो गया क्लियर, क्योंकि साउथ जब पास आ रहा है तो ये साउथ भगाएगा इसे, और इधर से नॉर्थ दूर जा रहा है तो चाहता ना जाए तो साउथ डेवलप करेगा। तो अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ है, अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ है। अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बताओ कॉइल में करंट किस तरफ है, सी से डी है कि डी से सी है। अब कायदे से देखा जाए तो ये साउथ है ना, तो करंट इसमें क्लॉकवाइज है, ऐसे घूमता घूमता सी से डी पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें जाएगा कहाँ, सी से पैदा होता होता डी पे जाएगा और डी से होकर वापस सी पे आएगा, पूरे लूप में घूमेगा। अब मेरा जो आंसर ऑब्जेक्टिव में या कहीं गिवन होगा वो सी से डी नहीं गिवन होगा, वो डी से सी गिवन है। आपको कि वो कैसे हो सकता है, करंट ऐसे ना आ रहा है, करंट तो ऐसे जा रहा है। आपने अपना आंसर सॉलोनॉइड के हिसाब से नहीं देना, एम मीटर के हिसाब से देना है। एम मीटर में, क्योंकि डिटेक्ट किसने करना है करंट, एम मीटर ने, तो एम मीटर बताएगा कि करंट कहां से कहां गया। तो अगर सॉलोनॉइड में करंट साउथ से नॉर्थ गया, फिर नीचे से नॉर्थ से साउथ गया, तो आपने करंट की डायरेक्शन क्या लिखनी है, डी से सी लिखनी है। उसी तरीके से इसमें भी लगता तो ऐसा ही है कि करंट यहां से यहां जाएगा, ए से बी जाएगा, पर एम मीटर के हिसाब से कहां जाएगा, बी से ए जाएगा। तो याद रखना, अगर एम मीटर लगा होगा तो डायरेक्शंस कैसे मेंशन करनी है। वैसे ये लिखना गलत नहीं है, सी से डी इन सोलेनॉइड ओके, पर कई बुक्स इसको डी से सी इसलिए लिखती हैं ताकि वो एम मीटर के हिसाब से अपना आंसर देती हैं। क्लियर है यहां तक? जैसे सपोज नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये ले लेते हैं, मैग्नेट फिर साउथ जो है वो पास जा रहा है तो ये साउथ हो जाएगा, नॉर्थ दूर जा रहा है तो ये साउथ हो जाएगा, ये भी आसान है। जैसे ये है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स गिवन है, तो इसके अंदर कुछ ऐसे गिवन है, ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ये रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है इसमें, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसके अंदर कुछ क्वाइल्स अंदर आ रही हैं इसके और कुछ बाहर जा रही हैं, ठीक है, कुछ क्वाइल्स अंदर आ रही हैं और कुछ बाहर जा रही हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज इसमें ये सर्कुलर क्वाइल इसके अंदर आ रही है, इसमें सर्कुलर क्वाइल इसके अंदर आ रही है। अब जब सर्कुलर क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड के पहले बाहर थी फ्लक्स जीरो था, अब ये लूप जब अंदर आ रही है तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लाइन इसमें से क्रॉस ज़्यादा करेंगी अब। तो जैसे ही अंदर आ रही है, अब ये कह रहा है कि ठीक है तुमने मेरा फ्लक्स बढ़ाया, क्योंकि मैं अंदर आ रहा हूँ तो मेरा फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि मेरा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा हूँ तो मेरा फ्लक्स बढ़ रहा है। और जब मेरा फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये नहीं चाहेगा इसका फ्लक्स बढ़े, तो इसने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, इनसाइड। तो इस लूप ने देखा कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड, वो इनसाइड है, बी यहाँ पर क्या है, इनसाइड है। और इसने देख लिया लूप ने कि अंदर जाने से इसका फ्लक्स बढ़ता है, तो ये नहीं चाहेगा इसका फ्लक्स बढ़े, ये क्या करेगा, ये अपना करंट ऐसे घुमाएगा कि इसका प्रोड्यूस किया हुआ बी कहाँ जाए, बाहर आ जाए। तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर है तो ये बाहर कर लेगा, ताकि आपके इंक्रीजिंग बी को क्या कर सके, अपोज कर सके। अच्छा उल्टा कर लो, ये लूप बाहर आ रहा है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड है, पर वैल्यू क्या हो रही है मेरी, फ्लक्स की डिक्रीज, क्योंकि जब मैं लूप बाहर निकलेगा तो मेरा फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज। और जब मेरा फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ये नहीं चाहेगा फ्लक्स डिक्रीज हो, तो ये अपना बी भी अंदर कर लेगा ताकि इसका फ्लक्स डिक्रीज ना हो, करंट को कैसे घुमाएगा, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ताकि बी इनसाइड हो जाए। ये देखो इसका, ये अंदर एंटर कर रहे हैं, एंटर करने पे बी बढ़ रहा है, इसका फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये अपना करंट ऐसे घुमाएगा कि आपके बी के ऑपोजिट बी जाएगा। इसमें कर लेते हैं, ये बाहर आ रहा है, जब ये बाहर आ रहा है तो बी इसका कम हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है, जब फ्लक्स कम हो रहा है बी कम हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ये करंट ऐसे घुमाएगा कि इसका बी इनसाइड हो जाए ताकि बी बढ़ जाए। तो डिपेंड करता है कि आप लूप को बाहर लेके जा रहे हो या अंदर लेके जा रहे हो, कैसे करंट इसमें चेंज होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? अब जैसे सपोज करो ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है, ये भी आता है बोर्ड में, बहुत आता रहा है 3-4 साल, पोलैरिटी बताओ। इसमें ये पूछा जाता है कि एक लूप है, इस लूप के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया और दो मैग्नेट्स हैं, तो मैग्नेट पास आ रहा है, मैग्नेट इधर जा रहा है ना, तो ये एक लूप बना दिया, बीच में कैपेसिटर है। अब जब मैग्नेट पास आ रही हैं इसके, तो यहाँ
पोल डेवलप होंगे, जब साउथ पास आ रहा है तो ये साउथ कर लेगा, नॉर्थ पास आ रहा है तो ये नॉर्थ कर लेगा, ऐसे ही है। तो इसमें करंट आएगा, इंड्यूस करंट बोलते हैं, वो इंड्यूस करंट कैपेसिटर की प्लेट्स को चार्ज करेगा। तो ये बताना है कि कौन सी प्लेट पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव, ठीक है यहाँ तक। मैं आपको इसमें दो केस लेके दिखाता हूँ, दो केस कैसे, ये आपका ये लूप है, पहले डिसाइड कर लेते हैं, साउथ पास आ रहा है तो ये साउथ है, ये साउथ है और पीछे वाला नॉर्थ है। तो मुझे इस तरफ से देखने में करंट कैसे दिखेगा, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मुझे यहां से देखने में करंट कैसे दिखेगा, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? तो अब सपोज करो पहला केस, कैपेसिटर की प्लेट्स यहां लगी हुई हैं बाहर, और दूसरा केस कैपेसिटर पीछे लगा हुआ है। देखो दो केस होते हैं, रिंग के यहां भी लगता है, रिंग के यहां, क्योंकि डायग्राम में पता ही लग रहा कि कैपेसिटर ये बाहर है, बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है, या फिर ये बाहर की तरफ है और कैपेसिटर अंदर की तरफ है, मालूम नहीं पड़ रहा है इसमें कुछ भी। देखो आधे लोग देख रहे हैं कैपेसिटर बोर्ड के अंदर है, आधे देख रहे हैं कैपेसिटर बोर्ड के बाहर है, आपका आंसर चेंज हो जाएगा। देखो मैं दोनों केस डिस्कस करता हूं, दोनों केस कैसे, करंट समझ में आ गया इसमें क्लॉकवाइज है, राइट। ये मान लो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, करंट क्लॉकवाइज है, कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। एक ना रिजल्ट याद रखना, इसका प्रूफ अभी दो मिनट में बता रहा हूं मैं, जो बैटरी का करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी का इलेक्ट्रिक करंट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। जो इंड्यूस करंट होता है इस चैप्टर में, जो पैदा होता है अपने आप चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से, वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, ये भूलना नहीं, बहुत बार यूज होगा। इंड्यूस करंट इस चैप्टर में कहां से कहां जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। बैटरी का करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, इंड्यूस करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, याद हो गया? अच्छा अब देखो, अगर मान लो कैपेसिटर यहां लगा हुआ है, इंड्यूस करंट मैंने क्या बोला कहां से कहां जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब करंट घूम कैसे रहे, क्लॉकवाइज। तो आप खुद देखो, ऊपर की प्लेट को नेगेटिव होना पड़ेगा, करंट नेगेटिव से स्टार्ट होगा और नीचे की प्लेट पॉजिटिव पे खत्म होगा, तभी तो करंट कैसे घूमेगा, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चेक कर लो, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ये कैपेसिटर की प्लेट्स में ऐसा देख लेते हैं, ये देखो ये रहा कैपेसिटर, मान लो ये कैपेसिटर है, ऐसे लेते हैं, करंट क्लॉकवाइज है, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि इंड्यूस करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू, तो ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव, नीचे वाली। अब एक काम करते हैं, कैपेसिटर की प्लेट यहाँ लगा लेते हैं, कैपेसिटर यहाँ लगा लें, इंड्यूस करंट, क्योंकि करंट तो क्लॉकवाइज ही है, अब क्लॉकवाइज करंट है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा और इसको पॉजिटिव, तभी तो नेगेटिव टू। अब देखो डिपेंड करता है ना, अब कैपेसिटर कहाँ लें, इधर लें आंसर चेंज हो गया, इधर लें आंसर चेंज हो गया। आपकी जितनी बुक्स हैं उसमें कैपेसिटर अंदर की तरफ है, पीछे की तरफ है, तो तभी तो उसने इसको नेगेटिव रखा, इसको पॉजिटिव। वैसे पता लगता नहीं है डायग्राम में, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि इसने पीछे की तरफ रखा हुआ है, तो करंट इंड्यूस इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है कि कैसे सोचना है इसमें? सबसे पहले आप मैग्नेट की हेल्प से डिसाइड कर लें, साउथ है तो ये साउथ है, साउथ है तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज घूमने दें करंट, कैपेसिटर यहाँ लगा लें, तो करंट अगर ऐसे घूम रहे हैं तो नेगेटिव से स्टार्ट हुआ होगा पॉजिटिव पे खत्म हुआ होगा, तो ये नीचे नेगेटिव है ऊपर वाला पॉजिटिव है, तो ये इसका रूल बनेगा।